कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिस फोर्स से किया हुआ वर्क सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसका एक एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज मैंने 10 केजी मास का एक ऑब्जेक्ट लिया तो उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, 90 न्यूटन। सपोज ये ऑब्जेक्ट इस फोर्स की वजह से 6 मीटर नीचे गिर गया तो वर्क डन कितना होगा, 540 जूल। अब एक सेकेंड कंडीशन लिया जिसमें फोर्स 90 न्यूटन ही है, बस ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा, फिर हमने उसे ऊपर रखा एंड फिर वो नीचे गिरा, तो जब हम इसका वर्क डन निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 540 जूल ही आएगा, बिकॉज दोनों केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स आर सब एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स।